नमस्कार, न्यूज नेशन पर ओकिनावा प्रेजेंट हिंदुस्तान का सपना वर्ल्ड कप अपना इन एसोसिएशन प्रिंगल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चिराग सुकीजा, अंकिता मिश्रा, मोनू चहल और अखिल मेरे साथ है। द स्टेज इज ऑल योर्स यार। यस यार, यार करो करो आज जो मर्जी करो यार। डांस बनता है, जीत आ गया यार। मतलब अखिल आज तो डांस बनता है यार। चिराग आप देखो यार, जीत है, ये बिल्कुल बड़ी जीत है। 70 रनों से हराया है न्यूजीलैंड को और ये मैच बदला लिया है साल यार। मुझे एक लाइन याद आती है भाई, बोलिए। वानखेड़े जीतकर टीम हाँ। इंडिया मैच खेलेगी अगला अगला वानखेड़े जीतकर टीम इंडिया मैच खेलेगी अगला अगला आज वर्ल्ड कप 2019 का पूरा हो गया बदला। क्या बात है बहुत यार, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। क्या बात है यार, आप इंडिया को दीजिए बधाई और पूरे हिंदुस्तान को ये बधाई, क्योंकि ऐसी जीत और पूरी टीम इंडिया को यार आज इस इंडियन टीम ने, आज हिंदुस्तान ने, देखिए वो कहते ना कि बैटिंग में आपके टॉप ऑर्डर ने एक के बाद एक बड़े बड़े रन आए। हालांकि शुभमन गिल ने भी 80 बनाए, रोहित शर्मा ने जो काउंटर अटैक किया 47 उन्होंने बनाए, एक प्लेटफॉर्म सेट हो गया था। उसके बाद अय्यर ने जिस गियर शिफ्ट किया उन्होंने बैटिंग की और साथ में आप ये बैटिंग देखिए 397 बनाए थे और 398 के चक्कर में वो फिर शमी ने जो कहते ना सेकंड स्पेल डाला, एक समय देखो किसी को लगा नहीं था इस टीम ने फाइट बैक किया है। न्यूजीलैंड की टीम इसीलिए जानी जाती है क्योंकि 35-2 होने के बाद ये टीम देखिए कहां तक पहुंची है, 300 प्लस बना दी इस टीम ने। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जीत इंडिया की हुई है और उसमें खास बात यह, मेरे हाथ में गेंद और गेंद से दो गेंदबाजों ने कमाल कर दिया, एक तो जसप्रीत बुमराह और साथ ही साथ मोहम्मद शमी को ना भूलें आप। धर्मशाला में 5 विकेट, आज 6 विकेट। अखिल क्या कहोगे यार, शानदार, मेरे पास शब्द नहीं है। 7 विकेट मोनू, लेकिन वो कहते हैं ना कि हार तब होती है जब मान लिया जाता है और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। टीम इंडिया ने ठाना हुआ है कि हिंदुस्तान का सपना वर्ल्ड कप अपना, एक स्वर में पूरा हिंदुस्तान इस वक्त बोल रहा है। मैच की बात करें, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ये मुकाबला, टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। रोहित शर्मा ने 47 बनाए, शुभमन गिल ने 80 बनाए, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर के बल्ले से निकले शतक और यहां पर केएल राहुल ने भी खेली अच्छी पारी और इसके बाद टीम इंडिया ने 397 बनाए, ये पहाड़ खड़ा किया। 398 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम, हो गई ऑल आउट। और कितने रनों से हमने मुकाबला जीता? 70 रनों से हम ये मुकाबला जीत गए। डेरिल मिचेल की उस पारी की तारीफ आपको करनी होगी, शायद आप दशकों तक इस पारी की सराहना करेंगे, लेकिन ये जीत नहीं दिला पाई और टीम इंडिया 19 को खेलेगी अहमदाबाद में फाइनल। अब फाइनल ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा या साउथ अफ्रीका के साथ होगा ये हमें पता चलेगा कल, लेकिन इस वक्त पूरे देश में जश्न का माहौल है। जश्न कैसा हो रहा है पूरे देश में वो भी आपको दिखाएंगे, अलग अलग तस्वीरें अलग अलग शहरों से आएंगी, मुंबई भी आपको लेकर चलेंगे, मुंबई में जो स्टेडियम के बाहर किस तरीके का माहौल है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन आज तारीफ टीम इंडिया की एक बार फिर से, क्योंकि 10 मुकाबले लगातार इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने जीत लिए, बिल्कुल जीत लिए। और अंकिता, एक समय मुझे ऐसा लगा था कहीं मैच चला तो नहीं गया, वो कहते ना जान हल्क में आ गई थी। आप ये देखिए 35-2 होने के बाद 220-2 थे, 32.2 ओवर तक न्यूजीलैंड इस मैच पर हावी था, क्योंकि एक तरफ विलियमसन और एक तरफ डेली मिचेल दोनों ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की इस मैदान पर यार। मतलब जिस तरीके की बैटिंग की थी वहां से तो मोमेंटम न्यूजीलैंड के साथ था, लेकिन फिर शमी नाम का एक तूफान आना बाकी था। उन्होंने पहले तो विलियमसन को आउट किया, फ्लिक शॉट मारा और अच्छा कैच पकड़ा सूर्य कुमार यादव ने वहां मिड विकेट पर, और अगली गेंद वो इन स्विंग गेंद टॉम लैथम फिर आउट। ये देखिए ये कमाल है, वो जो 2 विकेट थे आई थिंक टर्निंग पॉइंट वही है। बिल्कुल वही ओवर टर्निंग पॉइंट रहा मैच का भी, और जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे थे, शुरुआत के 2 विकेट उन्होंने चटकाए, फिर आकर 2 विकेट उन्होंने चटकाए और पूरे मैच का रुख ही पलट दिया। इस मैच में हीरोज बहुत सारे हैं, सब पर एक एक करके बात करेंगे, लेकिन जो विराट कोहली की बात सबसे पहले मैं करना चाहूंगा यहां पर, 50वां शतक, सबसे पहले तालियां बजा दीजिए यार, विराट तालियां जितनी बजाएं उतनी कम है यार। सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है, सबसे पहले सामने थे, हाँ सचिन सामने। सबसे पहले स्टैट्स वाले गुरुजी हमारे अखिल जी आइए मैदान में, आइए स्टैट्स बताइए। नहीं, रिकॉर्ड्स तो बहुत सारे हैं, ये जश्न की तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं देश में किस तरीके का माहौल है और खुशी से झूम रहे हैं वहां पर फैंस, तिरंगा आपको हाथ में नजर आ रहा है, इंडिया इंडिया के नारे आपको वहां पर जरूर नजर आ रहे हैं और पूरे देश में इस वक्त जश्न का माहौल है। बिल्कुल, और ये देखिए तस्वीरें आप खुद बयां कर रही है, क्योंकि टीम इंडिया सेमीफाइनल में जिस तरीके से धांसू एंट्री मारकर फाइनल में पहुंची है, लेकिन ये जीत का जश्न बनता है यार। बिल्कुल बनता है, क्योंकि यार मतलब 10 के 10 मुकाबले जीते और
क्योंकि यार देखिए 2019 वाला मैच हमारे थे तो कहीं ना कहीं वो हार का जो हम कहते हैं फ्लैशबैक कसक जो थी वो मन में थी कि भाई न्यूजीलैंड के सामने टीम है और मतलब तारीफ करनी होगी मिचेल और विलियमसन की जिन्होंने पारी को बनाया और वहां पर तोड़ने के लिए आया शमी ने 7 विकेट लिए और वो करके दिखाया जो कि टीम इंडिया को एक वक्त चाहिए था कि भाई 2 विकेट आपने कहा 35 पे 2 हो गए थे उसके बाद उनकी पार्टनरशिप बिल्ड हुई और लेकिन मजा आ गया अब तो भैया ट्रॉफी अपने घर आई 36 ओवर का जो मजा था ना वो मैच का सबसे दिलचस्प वर्ल्ड कप का सबसे रोमांचक मुकाबला यही था बिल्कुल यार मतलब कहना गलत नहीं होगा मोनू आप बता रहे कि 292 पिच पे चेजिंग सबसे ज्यादा रहा 292 चेज किया था सेकंड इनिंग में इससे ज्यादा कभी हुआ नहीं था चेज हमें इतना तो पता था कि इंडिया जीत जाएगा लेकिन इस तरीके से जीतेगा मतलब एक बार मैच फंस गया था और आपने शमी की बात की यार वो शमी जो प्लेइंग 11 में नहीं था इंडिया के जो आप स्टार्टिंग के मैचेस देखोगे लेकिन वो तो शुक्र कई बार कहते हैं ब्लेसिंग इन डिसगाइज वो हार्दिक पांड्या गए फिर शमी वापस आए और शमी ना हाईएस्ट विकेट टेकर हो गए इस वर्ल्ड कप में बिल्कुल हाईएस्ट विकेट टेकर शमी हाईएस्ट रन स्कोरर विराट कोहली एक वर्ल्ड कप एडिशन में 700 से ज्यादा रन सबसे बड़ा रिकॉर्ड विराट कोहली ने अपने नाम दर्ज कर लिया आज वो पारी आई 117 रन की 113 गेंदों में और ये खिलाड़ी ऐसा लगता है ना यार किसी भी दिन आएगा उठेगा मुंह धोकर आएगा तब भी शतक बना देगा ऐसा उनके लिए आम बात है उठना सोना खाना आके चौके छक्के लगाना शतक बनाना ये विराट कोहली की डिक्शनरी में है आम बात है और हमारे लिए भी आम हो चुका है लेकिन मजा आता है हर मैच में कोहली शतक मारता है लेकिन सेलिब्रेशन हमारी तालियां हमारा जश्न हर बार एक नया होता है मजा आता है उनका सेलिब्रेशन भी हर बार नया ही होता है मतलब जितनी बार वो शतक लगाते हैं उनका सेलिब्रेशन अलग होता है लेकिन आज मतलब अपने आइडियल के सामने स्टैंड्स पे वो खड़े थे और उन्होंने भी उनको सेलिब्रेट किया और ट्विटर पे ट्वीट भी किया कि भाई मतलब ये पारी देख के और बहुत सारी जो पुरानी फ्लैशबैक चीजें थी उनको भी उन्होंने जिक्र किया उस ट्वीट पे तो मतलब यार सचिन का रिकॉर्ड तोड़ना एक महान बल्लेबाज भगवान कह जाते हैं डांस देखिए आप लोगों का वहां डांस तो बनता है आज के दिन भी अगर डांस नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे यार ये तो यार इंडिया फाइनल में पहुंच चुका है और बिना किसी मैच को हारे चकदे इंडिया हो जाए अंकिता बिल्कुल चकदे इंडिया हो जाए और जिस तरीके से टीम इंडिया प्रदर्शन कर रही है तो जश्न हो जाए चकदे इंडिया क्या बात है बिल्कुल चकदे हो चकदे इंडिया क्या बात है शानदार ये पल और लेकिन आज तो दिल जो है वो जश्न बोल रहा है क्योंकि जश्न का माहौल है और दिल में भी वो जश्न देखने को मिल रहा है विराट की पारी शुभमन गिल की पारी और श्रेयस अय्यर जिस फॉर्म में नजर आए क्योंकि कई सारे सवाल उन पर उठ रहे थे कि नंबर 4 पर उनका बल्ला चल नहीं रहा है लेकिन आज कमाल की खेली और ऐसी इनिंग हम नंबर 4 के लिए काफी टाइम से देखने को तरस गए थे अंकिता सवाल उठे थे कि इनको शॉर्ट ऑफ लेंथ की दिक्कत होती है आज तो हुई नहीं आज तो 8 छक्के मारे 4 चौके यार आज जब इस बंदे ने अपनी दाढ़ी हटाई है ना बिल्कुल वो लग रहा है कि सारी बुरी चीजें हट गई है सारी बुरी चीजें क्योंकि क्लीन शेव होके खेल रहे हैं लगातार 450 प्लस लेकिन जडेजा की तारीफ करनी पड़ेगी वो कैच तारीफ अगर शायद वो कैच छूटता तो बिल्कुल अच्छा एक और चीज है जैसे हम रन आउट याद करते थे महेंद्र सिंह धोनी का वो तो अब हम नहीं याद करेंगे वो तो भूल जाएगा खत्म हो गया वो सारे बदले पूरे हो गए बिल्कुल लेकिन न्यूजीलैंड क्या 2027 वर्ल्ड कप में इस मैच से ऐसा कुछ पल अगर आप निकालना चाहें कि यार यू न्यूजीलैंड ये याद रखेगा यार ये ना होता तो शायद हम मैच जीत जाते या वो सूर्य कुमार यादव का कैच 19 हम जब भी याद करते हैं बोलते हैं कि धोनी रन आउट होने चाहिए थे बोल्ट का वो स्पेल नहीं आना चाहिए था आज शायद शमी को याद करेंगे 2027 में न्यूजीलैंड ये याद करेगा कि क्या हो गया था बोल्ट को यार सूर्य कुमार यादव का कैच केन विलियमसन शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे क्योंकि एक बार हमने बल्लेबाजी अच्छी कर दी वहां पर उन्होंने गेंदबाजी अच्छी कर दी थी 2019 में लेकिन उसके बाद मैच में कोई वापसी कर पा रहा था तो वो महेंद्र सिंह धोनी रविंद्र जडेजा थे आज वो केन विलियमसन और डैरिल मिचेल थे ये सूर्य कुमार यादव का कैच वो पक्का याद रखने वाले मैं बताऊं जी बताइए बिल्कुल सचिन तेंदुलकर ने आज के दिन ही अपना आखिरी मैच खेला था आज उन्हीं के घर पे उन्हीं के सामने 50वां शतक मारा उनका रिकॉर्ड तोड़ा इससे बड़ा मुकाम कोहली के लिए और सचिन के लिए क्या हो सकता है बिल्कुल क्या हो सकता है लेकिन देखिए अंकिता ने विराट का नाम लिया अखिल ने शुभमन गिल का नाम लिया लेकिन मेरे अंदर से आई है कि अय्यर ने बैटिंग की शमी ने वो गेंदबाजी की लेकिन आपको कौन लगता है हमारे कुछ फैंस बिल्कुल रोहित पे भी रोहित ने 47 बनाए थे 27 नहीं और जिस तरीके से टीम को लीड किया स्टार्ट बहुत अच्छा दिया वो बहुत अच्छी बात है कि लेकिन प्रेशर में भी आप टीम को कैसे हैंडल करते हैं बिल्कुल लेकिन जो इस वक्त हमें देख रहे हैं आप प्लीज आप भी बताइए और आपको क्या लगता है इस टीम इंडिया की जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन है क्या शमी लगता है या विराट लगता है क्योंकि विराट ने भी 117 रनों की पारी खेली और आज 50वां शतक बनाया या फिर आपको अय्यर लगता है तो एक एक करके मैं पहले तो
अखिल से पूछना, अखिल आज का हीरो कौन है? अगर शमी, नो डाउट शमी। अंकिता? डेफिनेटली शमी, क्योंकि अय्यर जो काम कर चुके थे ना वो हो चुका था, वो इतिहास बन चुका था। इंडिया को मैच जिताया है मोहम्मद शमी अहमद ने। बिल्कुल, शमी अहमद ने। और 22 विकेट लेना इस वर्ल्ड कप में और दो मैच तो खेले नहीं, अगर आप सोचिए दो और खेलते तो कितने होते। और देखिए कुलदीप यादव के स्टैट्स हम आपको दिखा रहे हैं, 56 रन और एक विकेट लिया इन्होंने, और वो भी आखिरी ओवर में मिला था। हमें लगा था कि यार क्या आज विकेट लेस जाएंगे, लेकिन विकेट ले गए। और ये केएल राहुल 39 बनाए 20 बॉल्स में, लास्ट में आकर जो कैमियो इनिंग थी इस इनिंग में था, मिड इनिंग के टाइम पे, मिड इनिंग टॉस के टाइम पे। हाँ, और मिचेल सेंटनर आप देखिए 10 ओवर की गेंदबाजी की 51 रन दिए लेकिन दो विकेट ले गए, उतना इफेक्टिव नहीं रहे। और लेकिन फिर भी रचिन रविंद्र आज चले नहीं इनका बल्ला चिराग। बिल्कुल, आज इनका बल्ला नहीं चला और ये अच्छी चीज़ थी कि इनका बल्ला आज नहीं चला। अगर इनका बल्ला चल जाता तो फिर कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए थोड़ी दिक्कत परेशानी हो सकती थी, क्योंकि जिस तरीके की फॉर्म में बाद में डेरल मिचेल और केन विलियमसन थे, अगर उनके बल्ले से शुरुआत में कुछ रन आ जाते तो थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो जाता टीम इंडिया के लिए। टॉम लेथम, इन्होंने वर्ल्ड कप में ही कुछ नहीं किया तो इनकी बात शायद ना ही की जाए तो अच्छी। अब ये घर जाएंगे आराम से और घर जाकर अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताएंगे। विराट कोहली की ये पारी, 117 रन, 113 गेंदे, 103.54 का स्ट्राइक रेट, 9 चौके और 2 छक्के इनके बल्ले से निकले। यही अंदाज फील्ड में भी नजर आ रहा था। लॉकी फर्ग्यूसन 8 ओवर 65 रन, कोई विकेट नहीं। यहां पर आपको जो विकेट्स का कॉलम है वो काफी सारा खाली नजर आएगा न्यूजीलैंड के खेमे में, क्योंकि ज्यादा विकेट्स टीम इंडिया ने गवाई नहीं। डेविन कॉनवॉय शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि ये बहुत अच्छे टच में नजर आ रहे हैं अखिल, लेकिन ये 13 रन बनाकर आउट हो गए। और वो मोहम्मद शमी की क्लास आपको देखने को मिली। शुभमन गिल 80 नाबाद, क्रैम्प आया, उसके बाद बाहर गए, फिर आकर एक रन और बनाया। 80 रन 66 गेंदे, 121.2 का स्ट्राइक रेट, 8 चौके 3 छक्के। ग्लेन फिलिप्स और डेरल मिचेल के बीच में भी एक पार्टनरशिप साझेदारी थी वो देखने को मिली थी। मैच फंस सकता था वहां पे भी, लेकिन हमारे साथ एक व्यूवर भी हैं आर्यन प्रजापति, कह रहे हैं आप हमारे से बात करेंगे क्या? बिल्कुल, आप कमेंट कीजिए, आपके सवाल भी लिए जाएंगे, कमेंट्स भी लेंगे। लेकिन अब सीधे लिए चलते हैं आपको मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम, जहां पर ओम देशमुख हमारे सहयोगी हमारे साथ है। ओम, किस तरीके का माहौल है, क्या कहना है लोगों का, बातचीत कीजिए, पूछिए कौन हीरो है और कैसा माहौल है मुंबई का। बिल्कुल, जिस प्रकार से मैच हुआ है तो उसी प्रकार का ग्रैंड सेलिब्रेशन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो सेलिब्रेशन यहाँ पे शुरू है, कुछ फैंस भी हमारे साथ है, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे, मैच कैसा हुआ, आपकी क्या रिएक्शन? मैच का तो ऐसा था, पता था इंडिया जीतने वाली है, लेकिन जिस तरह से खेल रही थी न्यूजीलैंड, एक मिनट के लिए लगा, एक पल के लिए लगा कि शायद छूट न जाए, बट मोहम्मद शमी की बॉलिंग और इंडिया की बॉलिंग पे कोई शक कर सकते है क्या? और जैसे ये भी हो गया, फाइनल भी अपना ही है, वर्ल्ड कप ये साल भी इंडिया ही आना है। मैच की जीत का क्रेडिट किसे देंगे, बल्लेबाजी को या गेंदबाजी? वैसे देखे तो दोनों को दिया जा सकता है, लेकिन ज्यादा दबाव अगर होगा तो गेंदबाजी पे होगा, क्योंकि उनका बल्लेबाजी काफी बढ़िया चल रहा था, उसके बीच में विकेट्स लेना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थे जो अपने गेंदबाजों ने किया, तो मेजर क्रेडिट जाएगा गेंदबाजों का, स्पेशली मोहम्मद शमी जिन्होंने 7 विकेट लिए एंड वही अकेले थे जिनकी वजह से विकेट का दौर। आप क्या कहेंगे? मेरा कहना यही है कि इंडिया ने जैसे बैटिंग की है और बॉलिंग की है, इंडिया ही जीतना था और वर्ल्ड कप भी इंडिया ही जीतने वाला है। जीतेगा भाई, जीतेगा इंडिया, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। जैसे 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 आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से सेलिब्रेशन हो रहा है, पीछे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई विजुअल्स, आप क्या कहेंगे भारत की जीत के ऊपर? भारत की जीत के ऊपर कहने जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो आदत बन चुकी है। अभी जीते हैं, संडे को फिर से जीतने वाले हैं, चाहे जो भी आ जाए, साउथ अफ्रीका हो या ऑस्ट्रेलिया हो, आने दो किसी को भी, जीतेगा भाई, जीतेगा इंडिया, जीतेगा। भारत इस वर्ल्ड कप में एक अपराजित योद्धा के तौर पर उभर के आया है। यस सर, ये ताता फाइनल में भी कायम रहेगा? डेफिनेटली रहेगा, कोई इसमें हमको कोई शक नहीं है कि भारत कंटिन्यूसली जीता हुआ है। अभी कितने 9 हो गए, 10 हो गए, तो 11 का आंकड़ा जो रहता है वो हिंदुस्तान के लिए किसी भी चीज में अपन देते हैं तो 11-51 वैसे देते हैं ना, तो शुभ रहता है, 11 शगुन होने ही वाला है। ओम, फाइनल में किसको देख रहे हैं, फाइनल में फैंस किसे देखना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया या फिर साउथ अफ्रीका? भारत की फैंस क्या चाहते हैं? स्ट्रांग रही गेंदबाजी भी स्ट्रांग, लेकिन न्यूजीलैंड ने भी उसी प्रकार से उसको चेस करने के लिए कोशिश की, तो न्यूजीलैंड के बारे में क्या कहें? बुरा तो लग रहा है कि न्यूजीलैंड हार गई, लेकिन क्या कर सकते हैं, सामने भारत जो खड़ा था।
पावरफुल टीम है तब चल के तो सेमीफाइनल में आई हुई है, और इतना टफ नहीं देते तो सेमीफाइनल का मजा नहीं आता। जिन्होंने टिकट खर्चे हुए उनके पैसे वसूल नहीं होते यार। अब आगे आगे आप आगे फाइनल में भारत को किसके साथ देखना चाहेंगे? सामने जो भी है, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका है, मजा दुगना आएगा और इंडिया ही जीतेगा। जीतेगा भाई, जीतेगा, इंडिया जीतेगा। तू गली गली का नारा है। इसकी बैटिंग अच्छी लगी मुझे, बैटिंग तो सबकी अच्छी लगी, मगर हमारे विराट भाई जिसने सचिन तेंदुलकर सर का रिकॉर्ड तोड़ा है, और हमारे विराट भाई बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और जैसे श्रेयस अय्यर भी अभी उभर के आ रहे हैं, वो उन्होंने भी दो सेंचुरी मारा है। जैसे कि हम जीतेंगे, और ऑस्ट्रेलिया हो या अपने साउथ अफ्रीका हो, इंडिया जीतेंगे ही, और क्विंटन डिकॉक हो या कोई भी हो, शमी भाई विकेट लेंगे ही, बुमराह भाई विकेट लेंगे ही। जय हिंद, जय भारत। कुछ महिला फैंस भी है, कुछ महिलाएं भी है हमारे साथ। मैम क्या कहेंगे इंडिया की विक्ट्री के बारे में? आज तो जीता है और वर्ल्ड कप भी इंडिया ही लाएगा। जीतेगा भाई, जीतेगा, इंडिया ही जीतेगा, चाहे ऑस्ट्रेलिया आए सामने या कुछ भी हो, इंडिया का वर्ल्ड कप पक्का है। और विराट कोहली ने जो सेंचुरी लगाई है, इट वॉज अ मेमोरेबल डे, माइंड ब्लोइंग, एंड इंडिया का वर्ल्ड कप पक्का है। जीतेगा भाई, जीतेगा, इंडिया जीतेगा और वर्ल्ड कप हमारा है। तो आप जैसे देख पा रहे हैं कि बल्ला बोल रहा है तो सिर्फ विराट का ही बोल रहा है। जिस प्रकार की बल्लेबाजी विराट ने की है और जो रिकॉर्ड किया है 50 सेंचुरीज का, तो उसका सेलिब्रेशन बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे हो रहा है। और फाइनल में हम ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत को देखना चाहते हैं, ऐसी अपेक्षा भी जो प्रेक्षक है, जो क्रिकेट फैंस है, वो व्यक्त कर रहे हैं। बिल्कुल ओम, और जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि जश्न जो है वो काफी लंबा अभी चलने वाला है, क्योंकि वहां पर जो फैंस हैं वो भी मोनू अभी हिलने के लिए तैयार नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये रात में 1-2 बजे से पहले घर जाने वाले हैं कहीं पे। और जिस तरीके से टीम इंडिया की बैटिंग और बॉलिंग सभी प्रदर्शन रहे, उससे फैंस भी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। ओम, अगर आप कुछ और दर्शकों को वहां पर बातचीत करें तो और अच्छा होगा, लेकिन उससे पहले हम नजर डालेंगे आज जिस तरीके से ओकिनावा का हर स्कूटर कॉस्ट इफेक्टिव है, इफेक्टिवली आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, उसी तरीके से चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द